वॉलीबॉल खेलने में काम आया। मतलब प्यार मिला, ये प्यारा लग रहा था मुझे जैसे लिखा हुआ। सो वेलकम बैक गाइस, तो आपका YouTube चैनल पर मेरे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार, इसलिए आज का नहीं कल का ब्लॉग होगा। ये मैं आपको अभी बता दूँ आज की तैयारी, अभी तो फिलहाल तैयारी चल रही है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी एक्चुअली मैं आज निकल रहा हूँ अपनी नई ट्रिप के लिए। आज है तारीख 27 दिसंबर, तो न्यू ईयर भी आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग जगह जाने वाला हूँ कि जहाँ लोग ठंड में जाना प्रेफर करते हैं, ठंड में मतलब पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं। सॉरी बता दिया मैंने आपको, मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ। मैं अपनी चीज़ खुद ही स्पॉइल कर देता हूँ सॉरी। तो थोड़ी अंग्रेजी भी क्या, डोंट माइंड, सिखा देना आप लोग यार, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, कुछ आप मुझे सिखाइए। तो ठीक है अभी गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ तैयारी और तैयारी जोरों से चल रही है। तो ये हमारा बर्तन, बिस्किट, कप और मम्मा कुछ पूछें शायद मुझसे, पता नहीं। मम्मा भी बहुत, आज मेरे घर वाले मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, बताऊंगा क्यों। और ये देखिए, ये स्लीपिंग बैग, टेंट वेंट सब तैयार चल रही है। और ये सब फोटो देखो, स्लीपिंग बैग, मैट वगैरह सब रेडी। मतलब कर रहा हूँ मैं प्लानिंग कि क्या क्या चीज़ ले आनी, क्या क्या चीज़ नहीं ले आनी, कि ट्रिप थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है इस बार जैसा मैंने सोचा है, अगर कोरोना धप्पा नहीं करता है तो। तो भाई मैंने आप एक चीज़ छपाई थी, उनको देखी होंगी वैसे तो आपने, और इनसे मुझे पता बहुत फ़ायदा ही मिलता है। पीछे देख उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, उनके 5,000 ब्लॉक्स, तो ये छपाया था मैंने। और बस ये सब तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि मुझे कल निकलना है, कल सुबह निकलना है मुझे। और मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट, तो मुझे वो सामान खरीद के लाना है। तो मैं वो भी बताऊँगा क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ आपको रखनी पड़ती है। वो आपको जैसे आप मेरा व्लॉग देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या क्या रखनी पड़ती है। फिलहाल ये पावर बैंक मैंने चार्जिंग बुला दिया, पावर बैंक सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है फिलहाल, पावर बैंक। और कुछ नहीं, बाकी सब तो सही है। फ्लैश लाइट एक और, लेकिन ये नहीं ले जाऊँगा मैं, दूसरा ले आऊँगा, पिछली बार ये वाला ले गया था मैं, इस बार नहीं ले जाऊँगा। और ये मेरी ओट, थैंक यू जिसने भी मुझे नींद दी है। और ये बुक, छोटी सी बुक, फ़ायदेमंद है, अब भी पढ़ेगा। 43 लॉ ऑफ पावर, ये तो पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक है भी, मैंने कुछ इसके काफ़ी कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं, मैं अपने सामान लेने आ रहा हूँ, ठीक है गाइस, और आगे की अपडेट होगी मैं आपको देता हूँ। स्टे ट्यून्ड, लव यू। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि वो कल की बात थी। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल ठंड पड़ रही है, मेरी टोपी। और आज मैं जल्दी उठ गया था, सबसे पहले उठ गया था, नहीं बुआ जी की बात उठा था, बुआ जी थोड़ा सा लेट हैं, ये बुआ जी पूजा कर रही हैं, मैंने हाथ बार जोड़ दिए। और माँ बाप ने खाना बना दिया, माँ ने, मैंने खाना भी खा लिया और चाय भी ली सुबह सुबह। और बस कुछ नहीं, अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से। तो गाइस, तो चलिए चलते हैं, बने रहिए, बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। तो बस एक चीज़ तो भूल गया, आपको मम्मी से मिलवाना, तो आपको चलिए मिलवाता हूँ। माँ हाय, बोलो मेरे सब्सक्राइबर्स को। हेलो हेलो, कैसी हो? बढ़िया। तो माँ मेरे सुबह से मेहनत कर रही है, मेरे लिए खाना बना रही है। और हाँ सही है, देना सही लग रहा हूँ। देना आगे बैग, पीछे बैग, हाथ में बैग, यार मामा ऐसा लग रहा है मैं थक ना जाऊँ यार। हाँ बेटा ज्यादा मत ले, हाँ थक जाऊँ, चलिए कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। भैया बहुत है, बहुत इतना लेके मैं चलना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, क्या देख लेंगे। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून, लव यू। सो हे गाइस, फाइनली वी रीच्ड। ये मेरा भाई है और इसका कल बर्थडे है, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। तो मैं और बाजी घर पहुंच चुके हैं, जस्ट भाई बहुत ठंड पड़ रही है, बस नाक बह रही है,
मैं सोचा इन सब से काम चल जाएगा, कुछ नहीं हो रहा भाई इसमें। कुछ नहीं होता है इनसे भाई, इनमें भी ठंड लग रही पूरे नीचे नीचे। अंदर पजामी पहन रखी गरम, तो सुन्न हो जाता है जी। पानी गरम करो भाई, कोई फायदा नहीं है, ठंड फिर भी लग रही है बहुत तगड़ी। देखते हैं आगे का क्या प्लान करना है, फिर कल का प्लान देखते हैं क्या है। तो ठीक है, इस स्टेडियो में बाकी मैं अपडेट देता हूँ। स्टेडियो इतना साफ तो हमारे पानी ना आवे मैं पीने वाला। सही आता है पानी, बारिश में खराब आता है। हाँ वो गंदगी मिल जाती है ना उसमें, पार्ट दिखाई नहीं दे रहे ना अभी, कोहरा हो रहा है इससे। तो ठीक है, इस अभी सामान लेने जा रहे हैं, चलते हैं ना धो के कहीं और जाना हमें। ठीक है, स्टेडियम। तो हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम नादो के रेडी हो चुके हैं और बस निकल रहे हैं। मैं सबसे चीज़ बताया, यहाँ पार्किंग बहुत अच्छी है, बहुत जगह पार्किंग में, आपकी खड़ी कर दूँगा लेना। और पीछे वाला व्यू देख, व्यू भी प्यारा फूल है अलग अलग। और गाड़ी भाई गाड़ी साफ़ कर रहा, मैंने भी करवाई, ऐसी बात नहीं अकेले नहीं करवाई उससे, मैंने भी साफ़ करी है। तो गाड़ी साफ़ हो गई, बस निकल रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ फूल अच्छे अच्छे यहाँ पर। इस भाई पौधे लगाने का शौक बहुत है यहाँ पे लोगों को। ये तो केले का पेड़ है ना, केले का पेड़ है ना ये वाला। भाई इतने लंबे लंबे केले तो आई ना इस पर आ रहे हैं। अबे आ तो, अबे आ तो रहे हैं उधर उधर। भाई 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 केले दिखाता हूँ, केले 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 आते हैं। ये तोड़ा केला टकर नीचे, खुल जैसा लग रहा है, ऐसा खुलेगा बाद में ऐसा लग रहा है। और अभी पहाड़ तो दिखाई दे रहे यार यहाँ से, पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे अभी छत से। अरे भाई ये यहाँ पे पत्ते रहे छोटे छोटे फूल हैं। तो ठीक है, ऐसे अभी चलते हैं वहाँ पर, और अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी शायद। तो बने रहिए स्टेडियम। तो ये गाइस अभी हम थे पेट्रोल टंकी पर, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तगड़ीदार। ठंड तो ठीक हो रही है, अब तो धूप निकल आई काफ़ी हद तक तो सही है भाई, लेकिन भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ना होगा यार। देखो चीकू के पेड़ लग रहे हैं यार, भाई साहब मन करा तोड़ लो एक हाथ, सही नहीं है, अच्छे लगेगा। कोई डांटेगा यार फिर यार, मुझे गुस्सा आ जाएगा यार। तो कोई बात नहीं, चलिए। और ये धूप बहुत प्यारी लग रही है, पता है अब से ठंड लग रही थी रात को, होता है एयर मतलब जो होता है ना हॉट बैग उसको लेकर सोए थे तब थोड़ा अच्छा लगा। कोई नहीं, अभी चलते हैं, अभी अंदर चलने गाड़ी में, फिर देखते हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, वैभव लेके जा रहा है जहाँ भी जा रहा है। एक्चुअली नैनीताल तो हम बहुत बार आए हैं जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन हर बार क्या कहते हैं वही रहता है यार, नैनीताल चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो इस वक्त नई जगह चलते हैं, तो बने रहिए स्टेडियम। लव यू। तो गाइस लोकेशन पे आ चुके हैं। ओ भाई साहब मैं उन्हें बजा दिया, हाइट तो भाई डाला है, मैं ही ड्रा कर रहा हूँ मैं बुलेट। वॉलीबॉल खेलने में काम आया। तो भाई बंदर हैं यहाँ पे, फोन वन तो नहीं। अच्छा यहाँ के तमीज़ वाले हैं बाजी, हमारे वहाँ के वृंदावन के बंदा बनना। तो भाई व्यू है, व्यू है कुछ उस तरह का। इस नंबर व्यू आ रहा भाई यार, पानी तो साफ है यहाँ पे। अभी जाएंगे ना नीचे, भी जाएंगे। वाओ वाओ, फिर नागे नहीं आता, यही ना आते यार। हाँ यार आते भी हैं, ठंडा रोड लगा देते तो ज्यादा आसानी रहती है।
अभी करता हूँ। मैं तो नेटवर्क मिल पहले जब रानू दीदी ऋचा दीदी छोटी थी ना, हाँ अच्छा मंदिर वो है भाई, मंदिर है वो, तो वहाँ जाम दर्शन करने जाएंगे। अभी नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो गाइस स्टे ट्यून, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये वाला प्यार भी ये प्यारा लग रहा है मुझे जैसे लिखा हुआ। तो ठीक है स्टेडियम। तो गाइस अभी चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे सीढ़ियाँ ऐसी ऊंची ऊंची, तो ऊपर अभी दर्शन करके आते हैं। तो मैं आपको वाला भी दूँगा, सच में बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा यार, फिर चढ़ चढ़ कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन होंगे होंगे ही दर्शन। पता नहीं जब यहाँ पर भीड़ होती है ना तो वहाँ तक लाइन लगती है, वहाँ तक सब वहाँ तक। ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं, बस पहुँची है वैसे। भाई यहाँ से उठ के मदरसा जाना है, वो वाला मंदिर है उसमें जाना है हमें। पहले मतलब वाजू उतार दीजिए से कब उतार पर कि यहाँ से पहले मतलब पानी में होके जाना पड़ता था, बट अब ब्रिज सा बना दिया है, बढ़िया। चलो अभी हम चल रहे हैं मंदिर के, भाई पैरों में ना चुभ रहे हैं, कंकड़ होते ना कंकड़ चुभ रहे हैं यार बहुत। कोई नहीं यार, बस पहुंची गए, अब हम सामने का नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। ओ भाई साहब पानी है ना ब्लू ब्लू सा नज़र आ रहा है, उधर साइड वाला पानी तो बिल्कुल, उधर साइड जो पानी था बिल्कुल स्काई ब्लू था, मतलब पत्थर नज़र आ रहे थे उधर साइड के, उधर साइड। अभी उस पर हम शायद जाएं उधर, अगर रास्ता हुआ तो उधर से जाएंगे। यहाँ का पानी दिखाता हूँ मैं आपको, भाई ये रखा हुआ पानी है, फिर भी देखिए लग रहा है ना मालदीव्स बिल्कुल यार। हाँ ये मंदिर है देखिए, क्या व्यू है यार, ओवर दिखी 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 दिखी। तो तू है प्रसाद दादी डाली उसकी जाएंगे। चलो इधर आ जाएंगे सर, इधर आ दिया इधर आ दिया इधर आए बहुत सारी है भाई, बहुत सारी मुश्किलें। वो लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई। हाथ छोड़ हाथ छोड़, मैं हूँ पीछे देख लूँगा दिक्कत मतलब। तो भाई बहुत सारी मुश्किलें थी, बड़ा प्यारा लगा था। और नहा के नहीं आया होता ना उन्हें गर्म, अगर मैं नहा के नहीं आया होता ना गर्म पानी होता मैं नहा लेता भाई इसी में यहीं से टाइम मारता नहीं बहुत प्यारी जब आएगा ना तो हाँ कभी आएंगे ना वैसे गर्मी में नहीं आएंगे। अरे मेरे पता वहाँ मन था यार, मेघालय गया था मैं, डॉगी ले गया वहाँ पे, एशिया की सबसे क्लीनेस्ट ले गया। जैसे यहाँ से पानी खाई दे रहा ना वैसे समझ ले 10 फुट तक यहाँ पे 10-20 फुट तक बिल्कुल साफ पानी खाई देता वहाँ पे, इतना क्लीन ले गया। और लेकिन वो है ना वो गए थे मेरे साथ बाबा वगैरह पापा सब लोग थे हम सब, इस वजह से मैंने सोचा नहाऊंगा इसमें यार एक बार। हाँ बच्चे नहा रहे थे सब, नहाते कूद कूद जाओ। और वहाँ बांग्लादेश के लोग भाग के आ रहे थे, बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर छुट्टा हुआ ना वहाँ पे, जस्ट भुट्टा बेचने आ रहे थे बांग्लादेश के लोग वहाँ पे। हाँ तो वो तो तू बता रहा था, बात कर रहे। तो अगली बार मौका मिला तो जब कभी भी जाना होगा फिर से
तो ज़रूर नहाऊंगा इस लेक में। ठीक है गाइस, अभी चलते हैं जूते वूते पहनते हैं। भाई ये भी प्यारा व्यू आ रहा है, एक थोड़ी वीडियो ले लूँ कर दूँ मैं सिनेमेटिक टाइम। ठीक है स्टेडियम। तो गाइस मैं बता रहा ना आपको, जाना था, हम आ चुके हैं वहाँ पे, पीछे साइड आ गए। भाई साहब वहाँ पर बिल्कुल येलो, वो ब्लू ब्लू लग रहा है, पानी इकट्ठा है वहाँ पर। खतरा कुंड नाम भी उसका यही है, खतरा कुंड। ठीक है भाई, तो अभी ऊपर चलते हैं। ये व्यू देखिए, फोटो एक दो वीडियोस ले रहा हूँ सिनेमैटिक, वो मैं डाल दूँगा शॉर्ट्स में। इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं है तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम को ऐड कर लीजिएगा। स्टेडियम।